Hilfe. आज जो लॉन्चर बनाऊंगा मैं, ये सबसे आसान तरीका है लॉन्चर बनाने के लिए। दवाई का बोतल है, इससे भी बना सकते हो, या आपका घर में मिल जाएगा। ये जो हल्दी जीरा वगैरह रखते हैं ना, इसमें ये डिब्बा, इससे भी हो जाएगा। ये पकड़ने में भी अच्छा रहेगा। ये सेट करने के लिए बीच में पॉइंट, ये नीचे वाला भी में ये दिख रहा है, यहाँ पर एक सेद लगाओ, यहाँ पर एक सेद लगाओ, हो जाएगा। मैं इससे बनाऊंगा, ये सबसे आसान रहेगा। जो स्ट्रिंग वगैरह डालने के लिए यह ऐसे सेट करना पड़ेगा, आराम से आप निकाल के ले आ सकते हो, लेके आ सकते हो उधर से, लेकिन इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं इससे ही बनाऊंगा। पहले तो हम यहाँ पर और यहाँ पर बीच में होल करेंगे। मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया पीछे भी, ऐसे ही मार्कर से। अब इसको होल करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर ले लें या टेस्टर वगैरह, जो सामने का जो मुंह है थोड़ा घिस के थोका थोका सा टेस्ट कर लेते हैं। फिर इसको यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, प्रेशर डालोगे तो ये फट जाएगा। धीरे धीरे होल कर देंगे इसको। अब इसको मोटा करेंगे होल को। आपके पास जो चीज़ मिले, देख के आपको लगेगा जो इससे हो सकता है, उसी चीज़ से कर लीजिए। को भी कर देते सेम उसी तरीके से। ये जो चीज़ है, जो जिसको हिंदी में रेत बोलता है, रेत रेती, जिससे उस चीज़ को इसे टेस्ट करते हैं ना, वही वाला चीज़ है। इस तरह से घिस घिस के नाइफ को टेस्ट करते हैं, ये वही वाला चीज़ है। मैंने इस पर एक हैंडल लगा दिया। अगर इसके अंदर ये पेन को डालेंगे तो और ज़्यादा मोटा करना पड़ेगा। मैं इसके अंदर वो झाड़ू वाला जो स्टिक है, झाड़ू वाला, उसको डालेंगे, इसलिए ये हो गया। ये देखिए घूम रहा है, यह तक काट देते। अब धागा सही है, कोई सा भी मोटा वाला धागा ले सकते हो। मैं इसको माप के दिखाता हूँ, ये 17 दिखा रहा है, अभी 18 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 15 से कम ना ले, 15 इंच से कम ना ले, थोड़ा ज़्यादा ही रखे तो स्पीड ज़्यादा आएगा। कम से कम 20 इंच का एक धागा ले ले, के बाद जरूरत जितना ज़रूरत है उतना रख के काट सकते हो। अब इसको करेंगे नीचे की तरफ, इस तरह से रहेगा, नीचे की तरफ एक सेट कर देंगे। यहाँ पर एक होल कर देते हैं। अगर भी इसमें करते तो ये हल्का है, टूटने का डर है, टूट सकता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इतना गैप रख के यहाँ पर होल कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये जो कटोरा है, क्या बोलता है, डिब्बा, इस डिब्बे में अगर ये जो धागा हम इधर से अंदर डालते थे, अगर अंदर डालते तो आसानी से हाथों से, मैंने इसको हाथों से निकल पाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। में डालेंगे, डालते जाएंगे, इसको हम किसी दूसरे चीज के मदद से निकाल के ले आएंगे। इस तरह से ये आ गया,
अब इसको हम जो नीचे की तरफ रहेगा जहाँ तक रहेगा इतना आसान बाहर निकल कर रहेगा यहाँ पर बांध देंगे। थोड़ा मार्क कर देते हैं यहाँ पर, इसको हम इसको बांध देते हैं कसते टाइट करें ये निकलना जाए। अब इसको ये जो छोटा वाला साइज जिस तरफ छोटा है उसको हम डाल देते हैं इधर ये। अब इस ढक्कन को इधर से लगा देते हैं, हो गया। इधर से फेस लगाएंगे तो टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेब्लेड जो पकड़ के रखते हैं होल्डर उसको डाल देते, ये भी मैंने प्लास्टिक से बनाया था, ये भी है पहले से मैं डाल के रखा कैसे बनाया आप जाके देख सकते हो, थोड़ा ढूंढ ढूंढ के देखना मेरे को याद नहीं है। इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, आप फेविक्विक से भी लगा सकते हो या वो जो एम सील होता है एराल्डाइट होता है, अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो दूसरा इससे भी लगा सकते हो, फेविक्विक से अच्छा रहेगा, फेविकॉल से भी लगा सकते हो। ग्लू गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, ग्लू गन से जोड़ो तो ये झट से हो जाता है सूख जाते हैं, दिखाने के लिए सही है ये। लेफ्ट स्पिन राइट स्पिन दोनों में ही काम करेगा। ये बन गया है, आराम से घूम रहा है, ये इस तरफ से भी मोड़ सकते हो इस तरफ से भी मोड़ सकते हो। लेफ्ट स्पिन इस तरफ से ये सामने की तरफ ऐसे मोड़ना पड़ेगा कि जो तो लेफ्ट घूमेगा, और राइट स्पिन होना है तो किसी की तरफ ऐसे धागा को चढ़ाना पड़ेगा फिर खींचो तो राइट स्पिन। इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, एक बार चला के देखते कि स्टेडियम कैसे बना, इसको देखने के लिए आई बटन में क्लिक करें। अब देखते हैं इसको चला के, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह से खींचेंगे, फिर इसको यहाँ पर पकड़ेंगे इस तरह से, फिर इसको घिसेंगे इस तरह से पकड़ के फिर से ये बहुत ही स्पीड में घूमता है, बहुत ही तेज है, ट्राई ज़रूर करें, बटन से करें या इस डिब्बे से करें, बात एक ही है, बना सकते हैं, बना के चला के देखो फिर कमेंट करके बताओ कैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का नए नए वीडियो डालते रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।